ऐसा क्या करूं जिससे जल्दी से जल्दी मेरा निकाह हो जाए, मेरे सपनों की शहजादी जल्दी ही मेरे घर आ जाए और मेरी बीवी भी ऐसी हो जिसे देखते ही सारे गांव में शोर हो जाए। मगर ऐसी लड़की इतनी सुंदर कहाँ मिलेगी? और मेरी हिना, हाँ हिना से निकाह कर लूंगा, मगर हिना कहाँ होगी, कैसी होगी? वाले मेरे सपनों की रानी, हाँ मुझसे नैन मिला ले, हाँ मुझसे नैन मिला ले, मैं हूँ तेरी दीवानी। मुझसे शादी करवा ले मेरे पागल किया, तेरी तिरछी नजर ने दीवाना किया। दिल माने नहीं, कुछ जाने नहीं, ओ हर जाए तूने क्या जादू किया। दिल घायल किया, मुझे पागल किया, तेरी तिरछी नजर ने दीवाना किया। शादी करवा ले मेरे सपनों की रानी। तो बन जा मेरा प्यार पाओ तेरा, चैन आवे ना मुझको तुम्हारे बिना। जवानी तेरी जाने मन मेरी, इसको देखे ना कोई हमारे बिना। तू बन जा मेरा प्यार पाओ तेरा, चैन आवे ना मुझको तुम्हारे बिना। ये जवानी तेरी जाने मन मेरी, इसको देखे ना कोई हमारे बिना। शादी करवा ले मुझसे, शादी करवा ले मेरे सपनों की रानी। हाँ मुझसे नैन मिला ले, मैं हूँ तेरी दीवानी। ले जाऊं दुल्हन बना, ऐसी जल्दी है क्या मियां ठहरो जरा, मुझे दिल्ली बरेली बनारस घुमा। मेहंदी लगा डोली में बिठा, तुझे घर अपने ले जाऊं दुल्हन बना, ऐसी जल्दी है क्या मियां ठहरो जरा, मुझे दिल्ली बरेली बनारस घुमा। दुनिया में नाम कमा ले, दुनिया शादी।
सपनों की रानी, मैं हूँ तेरी दीवानी, मेरे सपनों की रानी, मैं हूँ तेरी दीवानी, मेरे सपनों की रानी, मैं हूँ तेरी दीवानी। हिना 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 मेरी जाने मन, मेरे सपनों की सहजादी, तुम कहाँ चली गई हो? कहाँ थी तुम हिना? हैं? कहाँ थी हिना तुम? क्यों रे? घर में कोई साबुत सामान छोड़ेगा या नहीं? हैं? हिना कहाँ चली गई? कहाँ गई हिना? हिना, हिना। अच्छा, तो सर पर बीवी का भूत सवार है? अरे कलमुए, तेरे जैसे पागल के साथ अपनी बेटी का निकाह कौन करेगा? ये शादीवादी का चक्कर छोड़ और किसी काम की तलाश में चला जा। ठीक है ठीक है अम्मी जान, मैं अभी काम की तलाश में जा रहा हूँ। पता नहीं ये कमबख्त किस दिन कमाने खाने लायक होगा। बच्चों, कल जो हमने तुम्हें सीता स्वयंवर का पाठ पढ़ाया था, क्या सभी को याद हो गया है? हाँ जी। अच्छा, तो हम तुमसे उसी पाठ में से एक सवाल पूछते हैं। मधु, तुम खड़े हो जाओ। मधु, बताओ भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा? मास्टर जी, मैंने नहीं तोड़ा। अबे नालायक, ये बता धनुष किसने तोड़ा? मास्टर जी, मैंने नहीं तोड़ा। अबे गधे, कल मैंने सीता स्वयंवर में पढ़ाया था ना? हाँ जी। तो फिर बता धनुष किसने तोड़ा, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। मास्टर जी, अम्मा की कसम, मैंने नहीं तोड़ा। अबे किसने तोड़ा? मास्टर जी, सकटुआ का लड़का बहुत शरारती है, उसी ने तोड़ दिया होएगा। उन्हीं के पट्टे, मैं बताता हूँ तुझे, इधर आ। गधे से इंसान बनाना तो मुझे आता है। हैं? ये मास्टर जी गधे से इंसान बनाना जानते हैं? क्यों ना अपने गधे को इंसान बनवा लूं? इंसान बनकर कमाता रहेगा, मैं आराम से बैठकर खाता रहूंगा। मास्टर जी, आप गधे से इंसान बनाना जानते हैं ना? अबे इसमें भी कोई शक है? तो मास्टर जी, मेरे गधे का इंसान बना दो। अरे भाई, ऐसे गधे का इंसान बनाने वाली कोई बात नहीं है। नहीं नहीं मास्टर जी, जो पैसे लगेंगे मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे गधे का इंसान बनाना ही होगा। अरे क्या आफत गली पड़ गई। बना दो ना मास्टर जी, बना दो ना मेरे गधे का इंसान। लगता है बिल्कुल ही पागल है, ये ऐसे नहीं मानेगा। मास्टर जी बनाइए ना मास्टर जी। अरे ठहरो भाई ठहरो, तुम्हें अपने गधे का इंसान बनवाना है? जी बिल्कुल। तो तुम ऐसा करो, इस गधे को यहाँ बांध दो। ठीक है जी, बांध देते हैं। अब ऐसा करो, ठीक 2 घंटे बाद आना, तुम्हारा गधा इंसान बना हुआ मिलेगा। जी बिल्कुल ठीक है जी, हम 2 घंटे बाद ही आएंगे। मास्टर जी ऐसा करना, इसे थोड़ा पढ़ा लिखा और देना। अरे तुम इस बात की कोई चिंता मत करो, जाओ। इस गधे को खोलकर भगा दो। बहुत घना टाइम हो लिया, अब चलता हूं। मेरा गधा तो बन गया होगा इंसान, चलता हूं अब। अरे मियां आ गए? हाँ जी, आपने हमारे गधे का इंसान बना दिया ना। अरे मियां, तुम्हारा गधा पढ़ा लिखा दिया और इंसान बना दिया। अच्छा, तो मास्टर जी जरा मुझे दिखलाओ तो सही, वो है कहाँ? अरे मियां, अपने गधे को क्या पूछते हो, पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया है। अच्छा? हाँ, वो तो पुलिस में भर्ती हो गया और सलेमपुर थाने में दरोगा है। अच्छा जी, सलेमपुर थाने में दरोगा है? जल्दी जाओ और मिलाओ। ठीक है जी, ठीक है मास्टर जी, लेकिन तुम्हारी फीस? अरे छोड़ो मियां फीस वीस, बस तुम अपने गधे से जाकर मिल लो। जी आज ही मिल लेते हैं, आज ही मिल लूंगा मैं उससे जाके। खुदा हाफिज। ठीक है जाओ। क्यों रे, इतना बड़ा आदमी हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आंखों से छोटे बड़े की शर्म लिहाज बिल्कुल निकाल दी जाए। क्यों भाई, कौन है तू? अच्छा, अब तो हमसे ये कह रहा, कौन है हम?
अब क्यों पहचानेगा? अरे नालायक, तू जानता है किससे बात कर रहा है? तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू ही तो इस वर्दी में आकर अपनी औकात भूल रहा है। इससे तो तभी अच्छा था जब सामान लाद लाद कर तेरी कमर तोड़ रखी थी मैंने। अबे मैं कह रहा हूँ निकल जा यहाँ से, वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा। खाल तो मैं तेरी उधेड़ूंगा। तुझे पता है आज तू जिस कुर्सी पर बैठा है, जो वर्दी तूने पहन रखी है, इसको दिलवाने वाला कौन है? हैं? उठकर दुआ सलाम करने से तो रहा, बल्कि हमारी खाल उधेड़ने की बात और कर रहा है। चल तू घर चल, तेरी खबर लेता हूँ। अबे लुके पट्टे कहाँ से आ गया तू? अबे नालायक, गधे से इंसान बन गया, मगर लात मारने की आदत अब भी नहीं भूला। इस बार तो कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे ढेर सारा रुपया एक ही बार में इकट्ठा हो जाए। ऐसा क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। खैर कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, जिससे किसी अच्छे घर की लड़की से शादी हो जाए। शादी? यार क्या गजब का काम समझ में आया है। दुनिया में जाने कितने लड़के हमारी तरह कंवारे बैठे हैं, क्यों ना उनकी शादी का ही व्यापार शुरू कर दूं? अगर चार शादियां भी करा दी तो ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। क्या तरकीब है, यह ठीक रहेगा। मैं आज से ही व्यापार शुरू किए देता हूं। चलो मियां, चलो व्यापार शुरू करते। देखो क्या गजब का काम है, कहीं आना ना जाना, बस यहीं बैठे बैठे काम अपने आप ही चलता रहेगा, ग्राहक अपने आप ही टकराएंगे। अरे किसको बीवी की जरूरत नहीं है, दुनिया में कवारों की भरमार है। रिश्ते ही रिश्ते, वहां जी वहां, ये आदमी बढ़िया मिला, इसके लिए मैं तो जाने कब से भटक रहा था। अस्सलाम वालेकुम मियां। वालेकुम सलाम भाईजान, आइए बैठिए। मियां ये जो तुमने लिख रखा है रिश्ते ही रिश्ते, जरा इसके बारे में जानना था। भाईजान ये आपके मतलब की बात नहीं, ये तो उनके लिए है जिनकी शादी नहीं हुई है, जो कुआरे हैं, जिनको बीवी की जरूरत है। अरे मियां हम भी तो इसी रोग की मारे हैं। क्या मतलब, तुम अभी तक कुआरे हो? इंशाल्लाह तुमसे मिलकर लगता है अभी रोग आसानी से कट जाएगा। तब तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं भाईजान, यहाँ आने पर समझो तुम्हारे सब कलेश कट गए। तो क्या तुम्हारे पास लौंडियाओं का इंतजाम है भाई साहब? लौंडियां? लौंडियाओं की भरमार है मियां, एक से एक बढ़कर सुंदर सजीली ऐसी ऐसी लौंडियां हैं जो एक बार देख ले देखता ही रह जाए। आप अपनी फरमाइश बताइए कि तुम्हें कैसी लौंडियां चाहिए। मियां पहले आप ये बताइए कि आपके पास कैसी किस किस्म की लौंडियों का इंतजाम है। गुलाबी गालों वाली? हाय। लंबे बालों वाली? ओए होए। तिरछे नैनों वाली? हाय हाय। नागिन जैसी चाल वाली? हाय हाय हाय। बस मियां मैं समझ गया, तुम्हारे पास हर किस्म की लौंडियां मौजूद है। अरे मियां ये तो सिर्फ सैंपल बताए। बस मियां बस, अब और नहीं, अब तो जल्दी से जल्दी मेरा निकाह करा दो। खबी से एक साथ ही उतावला हो रहा है। हाँ तो मियां ये बताइए निकाह की रस्म कब अदा करा दूं? अजी नेकी और पूछ पूछ, मैं तो कह रहा हूँ ये सुमगणी आज ही होनी चाहिए। भाईजान इतनी जल्दी नहीं हो सकती। क्यों मियां? भाईजान इसके लिए हम पहले तुम्हें लौंडियां दिखाएंगे, फिर बातचीत शुरू होगी, तब कहीं जाके निकाह की रस्म पूरी होगी। इस काम में कितना समय लगेगा मियां? बस तुम लौंडियां दिखाने की फीस जमा कर दो। बतलाइए जी कितनी फीस जमा करनी होगी। 100 रुपया। ये लीजिए मियां अपनी फीस। ठीक है जी, ठीक है, आपकी फीस जमा किए देते हैं। आपका नाम? जी शेर खान। बल? शमशेर खान। उम्र?
40 वर्ष? अब मरने को जा रहा। क्या मतलब? मेरा मतलब है शादी की सही उम्र यही है। ठीक है तो भाईजान, आप कल इस पते पर आ जाना, तुम्हें लौंडिया दिखला देंगे। ठीक है जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाईजान। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज पहला दिन और आज ही काम ठीक रहा, आज तो अम्मी खुश हो जाएंगे। मैंने 100 रुपए तो ले लिए, लेकिन कल जब यह खबीस आएगा तो क्या होगा? लौंडिया तो हमारे पास है भी नहीं, क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो अभी तो कल बहुत दूर पड़ी है, कोई ना कोई तो हल निकल ही आएगा। अम्मी जान, अम्मी जान। क्यों रे, आज सुबह से कहाँ था? तेरा कुछ अता पता है कि नहीं? अम्मी जान, मैं काम पर गया था। काम पर? हाँ, और पैसे कमा कर लाया हूँ। दिखा तो, कहाँ है पैसे? पहले आंख बंद करो। ले, ये लो, अब आंखें खोलो। ए, इतने सारे पैसे? ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखना, गड्डियां ही गड्डियां लाया करूंगा। मैंने व्यापार शुरू कर दिया है। व्यापार? हाँ। जरा मैं भी तो सुनूं, तूने क्या व्यापार शुरू किया है? दीवारों के भी कान होते हैं, धीरे से बताऊंगा। बेटा, काम तो तूने वाकई बहुत अच्छा शुरू किया है। हाँ अम्मी, पर एक दिक्कत है। बता क्या दिक्कत है? फीस के 100 रुपए तो मैंने ले लिए हैं, लेकिन कल वो खबीस का बच्चा आएगा, उसको दिखाने के लिए तो हमारे पास में लौंडिया का इंतजाम नहीं है। अरे तो इसकी फिक्र ना कर, ये काम मैं तो चुटकियों में कर दूंगी, लड़की सिर्फ दिखानी ही तो है। हाँ बस दिखानी है अम्मी जान। तू कल आने दे उसे। अस्सलाम वालेकुम मियां। वालेकुम अस्सलाम भाई जान, आइए आइए बैठिए। भाई जान, यहाँ तक आने में कोई परेशानी तो नहीं आई? अरे नहीं मियां, हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हम तो बस रास्ते में अपने होने वाली बीवी के ख्वाब देखते हुए आ रहे थे, पता नहीं मंजिल कब कट गई कुछ पता ही नहीं चला। बस तुम जल्दी से जल्दी हमारे दिल की शहजादी को रूबे रू होने दो। अजीज थोड़ा सब्र कीजिए, पानी लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, बैठ जाओ। जी मैं ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं, आप हमारी होने वाली बीवी हैं, हमारे पास आकर बैठी। क्या नाम है तुम्हारा? जी मलिका। मेरे दिल की मलिका, मेरे सपनों की मलिका, मेरी जिंदगी की मलिका, हमें तुम बहुत पसंद हो। मलिका, तुम्हें भी हम पसंद आई या नहीं? ए मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो मलिका? अजी पहली मुलाकात है ना? नहीं नहीं मियां, हमें तो लगता है कि मलिका तुमसे शर्मा रही है, क्यों ना हम कुछ देर को कहीं बाहर घुमाए, दो चार बातें कर लेंगे, इससे ठीक है एक दूसरे को जान भी लेंगे, क्या ख्याल है मियां? जी चलिए। ठीक है तो मियां, हम अपनी बेगम के साथ थोड़ा सा सैर सपाटा कराएं, चलिए मल्लिका। मुझे इस खबीस की नीयत में खोट नजर आ रहा, मैं भी इसके पीछे पीछे चलता हूं। मल्लिका, जब से तुम हमारे सामने आई हो, ईशा अल्लाह हम अपना दिल तुम्हें दे बैठे। इस पाजी की नीयत तो बिगड़ती ही जा रही है। एक डोरी से जइयो।
ये कलम दवात ला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं। दिल क्या तू जान भी मांगे तो दे दूं, दे दूं, दे दूं ये पहला काम करूं। कागज कलम दवात ला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं। कागज कलम दवात ला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं। दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना, जमाना खराब है। दगा नहीं देना, दगा नहीं देना, दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना, जमाना खराब है। दगा नहीं देना, दगा नहीं देना। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। अरे वो गारू क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारी वो गारू क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। उड़ी जब जब जुल्फे तेरी, निकला न करो रूप की रानी, धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए, मस्त मस्त आंख से छलकाओ न मदिरा। अरे मस्त मस्त आंख से छलकाओ न मदिरा, मधुशाला में ताला न पड़ जाए। धूप में निकला न करो रूप की रानी, काला न पड़ जाए। कर दुनिया में न देखा कोई और जुबा, पर आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबा, पर आज दिल की बात आ गई। ओहो क्या हाल बना रखा है, कुछ लेती क्यों नहीं इस उम्र में, सांसें फूलने का क्या मतलब है। अबे खबीस, इस उम्र में सांसें नहीं फूलेंगी तो क्या जवानी में फूलेंगी। चलिए धीरे से उठना है, शाबाश। हाँ तो मल्लिका, हम कह रहे थे कि हम एक दूसरे के हो चुके हैं, तो अब ये दूरियां कैसी। अबे मैं कह रहा हूँ हद को पार मत करना। अजी दूरियां हमने कहा, दूरियां तो आपने बना रखी हैं। हैं? मैं तो इस पाजी को ही कह रहा था, पर लगता है अम्मी जान भी आपा खो बैठी हैं। अरे मियां आप यहाँ? भाई जान, अगर आपने एक दूसरे को अच्छी तरह जान लिया हो तो घर चलें। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए। ये कंबकत तो 100 रुपए देकर पीछे ही पड़ गया, अब इसको कैसे भगाऊं। हाँ ये ठीक रहेगा,
अजय मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई जान, वालेकुम अस्सलाम। अजी अब ये बताइए निकाह की रस्म कब अदा हो गई? अरे मियाँ कमाल करते हो, सब ऐसे ही थोड़े हो जाएगा। तो कैसे होगा मियाँ? इसके लिए तुम्हारा बहुत खर्चा हो जाएगा। अजी खर्चे की फिक्र ना करो, बस हमें तो ये बताओ कि खर्चा होना कितना है। इस काम में तुम्हारे 5,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। बस 5,000? अजी 5,000 को छोड़ो, मलका के लिए तो हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे। ये तो यहाँ तक उतारू है। ठीक है ठीक है, आप 5,000 रुपए जमा करो और हम मौलवी साहब से मिलकर निकाह की तारीख पक्की किए देते हैं। लो जी 5,000, अगर और जरूरत पड़े तो शर्माना मत। अब सीधे अपने घर जाओ। ठीक है मियाँ, पर निकाह की तैयारी जरा जोड़ तोड़ तरीके से करना। ठीक है ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी जान, अम्मी जान, कुछ सोचो, नहीं तो खबीज का बच्चा हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अम्मी जान एक तरकीब तो मेरे दिमाग में आ रही है। बता जल्दी। क्यों ना मैं तुम्हारी शादी इस पाजी के साथ कर दूं? अरे चल चल, अब मेरी उम्र कोई शादी के लायक थोड़ी है, वैसे खिंची भी नहीं है। सोच लो, 5,000 हजम करने वाली बात है और तुम्हें उसके साथ थोड़ी रहना है। ठीक है, तू उससे कह दे कल बारात लेकर आ जाए। अम्मी जान, अम्मी जान, बारात आ गई, देखो बारात आ गई। वो कैसे लग रहे हैं घोड़ी पर? क्या मेरा मतलब है, आने दे, तू जा तैयारी कर। अस्सलाम वालेकुम मियां। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आइए जी आइए, बैठिए। हाँ तो मियां, निकाह की रस्म अदा की जाएगी। जी बिल्कुल। मौलवी साहब जरा जल्दी कीजिए मियां, निकाह की रस्म पूरी हुई, अब लड़की को विदा कीजिए। जी ठीक है ठीक है जी, अभी विदा किए देते हैं। बेटे की दुआएं लेती जा, बेटे की दुआएं लेती जा, जा तुझको पति बीमार मिले। बेटे की दुआएं लेती जा तुझको पति बीमार मिले, जाकर तू भी ना ठीक रहे, जाकर तू भी ना ठीक रहे, तुझे खांसी और बुखार बने। बेटे की दुआएं लेती जा तुझको पति बीमार मिले, जा तुझको पति बीमार मिले। निकल ले निकल ले, नहां से निकल ले जल्दी। हाँ बहुत ज्यादा मुझे झाड़ू से मारती थी, रोज रोज मारती थी, आज कटा कलेश तेरा। नूरे नजर मेरी सपनों की सहजादी, अब रुख से पर्दा हटाओ, तुम्हारी प्यारी प्यारी आंखों का दीदार करने के लिए हम कब से बेकरार हैं। जाने मन बादलों में छुपा हुआ ये चांद अब अच्छा नहीं लगता। हमारे और आपके बीच में आने वाली दीवार को आप ही हटा दीजिए ना। इंशाअल्लाह हम अभी इसे तुम्हारे रुख से दूर किए देते हैं। पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे, पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे, पर्दा नसी तो बेपर्दा न कर दूं तो
पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नसी तो बे पर्दा न कर दूं तो सिर खमेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, 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 अल्लाह मेरी तौबा। पर्दा नसी को बे पर्दा ना कर दूं तो सिर का मेरा सोनू टैप कैसेट समझो बैल 100 रुपए में बिक गया। अब मैं चलता हूँ, देखना शेख चिल्ली का कमाल। अरे मियाँ शेख चिल्ली, इसे बेचने ले जा रहे हो क्या? और नहीं तो क्या, इसे फिल्म दिखाने ले जा रहा हूँ। अबे 100 रुपए में तो नया बैल आ जाता है, इसकी तो खाल लटक रही है। अबे अपना काम कर, इससे ज्यादा तो तेरे अबू की खाल लटक रही होगी, ये उनसे महीने दो महीने छोटा ही होगा। अबे मियाँ कुछ कम कर लो। एक अठन्नी कम नहीं करूंगा। मियाँ इसके सींग भी छोटे। अबे बड़े सींगों से क्या कुनबे घुमरवाए। मिया हम इसके 90 रुपए दे सकते। अबे रहने दे, क्या कह रिया, ये बैल तो बेकार है। क्यों? अबे देख इसका तो पेट फूट गया। क्या? देख लो मिया। हैं? ये कैसे हो गया? मिया इसका पेट फूट गया। अभी ना तो तुम्हारे काम का ना हमारे काम का। बैल का पेट फूट गया, अब तो थोड़ी देर में ये मर जाएगा। क्यों ना इसके पैसे बना लूं? क्या सोच रहे हो मियां, अब ये बैल बचेगा नहीं। भाईजान चलो 90 रुपए में ही ये बैल ले लो।